आज यहां अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में प्रोग्राम करवाया जा रहा है, तो वहीं देश के कोने कोने में मंदिरों में पूजा और अर्चना की जा रही है। और इसके चलते ही गुरदासपुर के कादियां कस्बे में भगवान श्री राम की उपमा करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता प्रताप सिंह बाजवा भी दिखाई दिए। और इस मौके उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वो भगवान श्री राम के चरणों में कामना करते हैं कि देश में भाईचारा बना रहे और इसे और बल और मजबूती मिले। और इस मौके उन्होंने भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करते हुए हवन यज्ञ में भी हिस्सा लिया। सारे नो पहले तो मैं अगे भी ये गल कही थी, आज फिर कहना चाहना, सारे ही हिंदुस्तानी और किसी विशेष वर्ग वास्ते नहीं, समुचे हिंदुस्तान वास्ते बहुत ही गौरवशाली दिन है। सानू बहुत मान है, रामचंद्र जी अपने स्थान पर पहुँच गए हैं, तो मैं समझना कि इस तो वड़ी खुशी वाली गल सारे देशवासी कोई नहीं कर सकते। मैं आज दे दिन समुचे हिंदुस्तानियां जेड़े साढ़े देश च बैठे ने या देशों तो बाहर करोड़ों अरबों की तादाद दे विच सारे ही अज इस महान दिन बहुत ही खुशियां नाल मना रहे हैं, तो उन्हां दियां सारियां दियां खुशियां विच असीं भी शामिल होने। राम महाराज के चरणों में असीं अरदास करांगे कि साडा आपसी भाईचारा बनिया रहे अते होर मजबूत होए। अज दा दिन मैं समझना सारे नूं इंपोर्टेंट गल यह है कि रामचंद्र जी अपने स्थान पर पहुँचे ने, जिस दे नाल मैं समझना सारा देश एक हो के खुशियां मना रहा है। तो परमात्मा के चरणों ते उन्हां दे चरणों च असीं अरदास भी करांगे कि आंदा युग जिहड़ा है हिंदुस्तान एक नंबर का देश सारी दुनिया में बनेगा, तो आपसी भाईचारा होर मजबूत होएगा। तो इन्ना ही कहता होया साढ़े सारे वास्ते बहुत अहम दिन है, बहुत खुशी वाला दिन है। एक बार फिर लख लख मुबारकबाद मेरे वालों समुचे हिंदुस्तानियों नूं देश दे विच ते देश दे बाहर बैठे हुए सारे वीरां नूं ते भरावां नूं। जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।